हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आकाश बायजूज नीट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल मस्ट बी एक्साइटेड फॉर दिस कंप्लीटली न्यू सीरीज जिसका नाम है जी बायो की रणनीति। क्या वाकई ही ज़रूरी है कोई ख़ास तरह की रणनीति बायोलॉजी के लिए? अच्छा, आपने कभी सोचा है कि बायोलॉजी को ही इतना इम्पोर्टेंस या इतना एम्फसिस क्यों देना है? तो क्यों ना पहले हम ये जान लें दैट व्हाई बायोलॉजी इज़ सो इम्पोर्टेंट। क्या क्या रीजंस हैं, क्या कारण है कि भाई बायोलॉजी का ये जो विषय है ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है नीट एग्ज़ाम में? वाल ये तो आप जानते ही हैं कि भाई हर साल कंपटीशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक समय था जब 5-6 लाख लोग ही अपीयर होते थे नीट के लिए। धीरे धीरे लेवल ऑफ अवेयरनेस इतना ज़्यादा बढ़ता गया कि 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख, और आप जानते हैं कि नीट 2022 में क्लोज टू 19 लाख स्टूडेंट्स दे रजिस्टर्ड और 16 लाख से ज़्यादा बच्चे नीट 2022 एग्ज़ाम में अपीयर हुए। अब कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो कोई स्पेशल स्ट्रेटजी भी तो होनी चाहिए, कोई रणनीति तो हमें अपनानी पड़ेगी ताकि हम अपना ड्रीम कॉलेज पा सकें। हर स्टूडेंट का कोई ना कोई सपना ज़रूर होता है। किसी का सपना होगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली, किसी का सपना होगा कि भाई मुझे मौलाना आज़ाद में जाना है, कोई बच्चा ये भी सोचता होगा मुझे एम्स ऋषिकेश में जाना है बिकॉज मेरे सीनियर्स वहाँ पे हैं, स्कूल के सीनियर्स जो हमें बताते हैं कॉलेज के कैंपस के बारे में। किसी को मणिपाल जाना है, किसी को ग्रांट जाना है, किसी को किंग जॉर्ज जाना है। तो भाई सबका अपना अपना सपना है। तो अगर आपका सपना है तो उसे साकार करने के लिए कोई स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। और नीट 2023 में आपने अपीयर होना है तो जितना भी समय आपके पास बचा है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी तैयारी करें कि भाई हम बायोलॉजी में फुल बटा फुल मार्क्स यानी 360 में से 360 नंबर ला सके। आज के इस सेशन में मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपको यही सब बातें बताने वाला हूं। सेशन बड़ा मज़ेदार होने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको एक फील आ जाएगी कि भाई वाकई में ही हम मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, हम मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं ऑल माई राजा बेटा एंड वानी बेटियां दैट Why biology is so important? नीट के एग्जाम में फिजिक्स भी पूछा जाता है, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी। तो भाई इतनी ज़्यादा तवज्जो, इतनी ज़्यादा अहमियत, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बायोलॉजी को ही क्यों? राइट? जितने भी स्टूडेंट्स इस समय मेरे साथ जुड़ चुके हैं मैं उन सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन। आज मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूं इस सेशन में, वरना फिर ये हो जाता है कि भाई थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है ना? आप सहमत हैं इस बात से? शिवा एग्रीड, हर्षवर्धन राइट, करम, सब लोग नवरात्रों की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप सब लोग को भी फेस्टिव सीजन की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए जी, सो ऑल माई राजा बेटा एंड वानी बेटियां, सबसे पहले ये जानते हैं व्हाई बायोलॉजी इज सो इम्पॉर्टेंट। आपने देखा दैट बायोलॉजी में बॉटनी भी है और जूलॉजी भी है। हालांकि मैं आपको क्लियर कट एक बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर्स आप बॉटनी में इमेजिन करते हैं उनके क्वेश्चन जूलॉजी में नहीं पूछे जाते हैं, या जो आप जूलॉजी में इमेजिन करते हैं वो बॉटनी में नहीं पूछे जाते। आपके मन में कई गलत धारणाएं होंगी कि जेनेटिक्स तो बॉटनी का पार्ट है भाई, क्योंकि स्कूल में टीचर ने, बॉटनी वाले टीचर ने पढ़ाया था, या हमें XYZ कोचिंग में बॉटनी के टीचर ने कराया था। ऐसा कुछ नहीं है। जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसिंग एडवांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये सब कॉमन चैप्टर्स हैं जो बॉटनी में भी हैं, जुआलॉजी में भी हैं। सो आप देखेंगे सवाल आपको दोनों में पूछे जाएंगे। इवोल्यूशन भी, भाई सिर्फ इवोल्यूशन कोई ऐसा थोड़ी ये जानवरों का ही होता है कि प्लांट्स का इवोल्यूशन नहीं होता। तो सबसे पहले ना अपने मन से आपको ये बात भी निकाल देनी है कि ये कोर एरिया जो है यही बॉटनी का है और ये कोर एरिया यही ज़ूलॉजी का है। टोटल जो बायोलॉजी का सिलेबस है आप उसे कुछ ऐसे डिवाइड कर सकते हो, 33% प्योर बॉटनी, 33% प्योर ज़ूलॉजी। अभी प्योर ज़ूलॉजी क्या है, जैसे एनिमल किंगडम, ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना, ये प्योर ज़ूलॉजी हो गया। ऐसे ही प्लांट किंगडम, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटमी, ये प्योर बॉटनी हो गया। बाकी के जितने एरियाज हैं, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, बायोमॉलिक्यूल्स है ना, ये सब चीज़ें जो हैं ये ओवरलैपिंग हो जाती हैं, इंक्लूडिंग जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो, जो बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों में सवाल पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पिछले सालों के आप नीट के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लीजिए, पिछले 2-3 साल से बॉटनी का सेक्शन अलग हो रहा है और ज़ूलॉजी का सेक्शन अलग दे देते हैं। पहले कंप्लीट बायोलॉजी ही आता था नीट में, अब बॉटनी और ज़ूलॉजी सेक्शंस अलग होते हैं, लेकिन चैप्टर्स ओवरलैपिंग है। आप देखेंगे जेनेटिक्स के क्वेश्चन बॉटनी में भी पूछे गए हैं, जेनेटिक्स के क्वेश्चन ज़ूलॉजी में भी हैं, बायोटेक्नोलॉजी के बॉटनी में भी हैं, बायोटेक्नोलॉजी के ज़ूलॉजी में भी हैं। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई है सना। चलो नाउ सो व्हाई बायोलॉजी इज सो इंपॉर्टेंट। पहली बात, इट फॉर्म्स 50% ऑफ द नीट सिलेबस। फिजिक्स केमिस्ट्री एक तरफ उनका वजन और बायोलॉजी का पूरा वजन एक तरफ, तो 720 में से 360 नंबर तो हैं बायोलॉजी के, 50% मार्क्स बायो के। तो अगर हम बायो स्ट्रॉन्ग कर लें तो भैया हमने बहुत बड़ा पड़ाव पार कर लिया। 360 नंबर अगर यहीं आ गए, जो कि आ सकते हैं, मैं आपको सबूत दूंगा इस बात के, बायो में 360 नंबर आ सकते हैं, बस एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चाहिए होती है। सो मैक्सिमम 360 मार्क्स कुड बी स्कोर्ड and I'm sure all of you want to score it. नीट के सिलेबस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। बायोलॉजी को डिवाइड कर दिया जी हमने बॉटनी में एंड ज़ूलॉजी में, और 45-45 क्वेश्चन दोनों में पूछते हैं। बॉटनी में 45, ज़ूलॉजी में 45, 180 नंबर का बॉटनी, 180 नंबर का ज़ूलॉजी, और 360 नंबर हो गए टोटल। तो हमें ये 360 नंबर चाहिए ही चाहिए। सोच लो अपने मन में, ये पूरा दृढ़ निश्चय कर लो तो वो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। प्लानिंग मैं कराऊंगा, स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा। तो मैं आपको बता रहा था दैट व्हाई बायोलॉजी इज सो इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात आपके दिमाग में बैठ गई, बायो की रणनीति इसलिए चाहिए, बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात, इट फॉर्म्स 50% ऑफ द टोटल सिलेबस, तो 720 में से 360 नंबर तो सना हमने लेने ही लेने। दूसरी बात, सेकंड बात, दैट व्हाई बायोलॉजी इज सो इंपॉर्टेंट। आपको ये बात पता है कि कई बार ऐसा होता है कि दो स्टूडेंट्स का सेम स्कोर होता है, जैसे ये स्टूडेंट ए है, इसके भी टोटल स्कोर 720 में से 715 है। इस बार भी ऐसा हुआ है नीट 2022 में, जो पहले 3 रैंकर्स हैं, तनिष्का है, देन वत्स हैं, वत्स आशीष बत्रा, एंड देन वी हैव ऋषिकेश, 715, 715, 715। तो फिर भी एक स्टूडेंट जो है वो रैंक 1 है, दूसरा रैंक 2, तीसरा रैंक 3। अब भाई ये कैसे डिसाइड हो जाता है? इन केस ऑफ टाई ब्रेकिंग, जब दो स्टूडेंट्स के मार्क्स बराबर हैं, तो मुझे बताइए किस विषय को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है? बायोलॉजी को। जिसके बायो में मार्क्स ज्यादा होंगे उसका रैंक ऊपर होगा। ठीक है जी। सो बायोलॉजी मार्क्स आर कंसिडर्ड। सो आपको अगर रैंक अपना ऊपर रखना है तो रैंक ऊपर रखने के लिए भी आपको बायोलॉजी जो है वो स्ट्रॉन्ग रखनी जरूरी होगी ही होगी। ठीक है जी। 2 कारण मैंने बता दिए आपको दैट व्हाई बायोलॉजी इज सो इंपॉर्टेंट। चलो अब मैं तीसरा कारण बताता हूं। बायो में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस अब एनसीईआरटी में से आ रहे हैं। पिछले 3-4 साल के अगर हम क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करें तो जो क्वेश्चंस आते हैं ना, दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज को समझना, एनसीईआरटी को डीकोड करना। कहना बड़ा आसान है कि भाई हर चीज़ एनसीईआरटी में से आ रही है, तो आप ज़रा खुद ही सोच के चलिए, स्कूल्स में भी बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं 11th and 12th क्लास में, है ना, नीट की तैयारी करते समय भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो फिर सबका सिलेक्शन क्यों नहीं हो जाता? सबके 360 में से 360 मार्क्स बायो में क्यों नहीं आ जाते? बिकॉज एनसीईआरटी को डीकोड करना ज़रूरी है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है. लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट. कई बार क्या होता है बेटा कि हमने कोई चैप्टर बड़े अच्छे से पढ़ लिया, सपोज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया है, बड़ी डिटेल में पढ़ लिया है, बड़े वंडरफुल डायग्राम्स एनिमेशन सब देख लिए, लेकिन जब क्वेश्चन आपके सामने आया तो उसकी लैंग्वेज एज इट इज एनसीईआरटी वाली थी, बड़ी सिंपल थी, सवाल बड़ा सिंपल था, जवाब भी बड़ा सिंपल हो सकता था कि भाई इन डाइजेशन जब होता है ना, तो उसमें क्या फील होता है पेशेंट को. आपने देखा होगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में जो डिजीजेज एंड डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं उसमें एक इन डाइजेशन भी दिया हुआ है ना, कॉन्स्टिपेशन के बारे में मेंशन्ड है, जॉन्डिस के बारे में मेंशन्ड है, एक एक दो दो लाइनें मेंशन्ड है. पढ़ते समय बच्चे इतनी ज़्यादा डिटेल्स पढ़ लेते हैं उस चीज़ की, कंसेप्ट को समझ लेते हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन वो लैंग्वेज जो है ना, जो सेंटेंसेज फ्रेम होने चाहिए थे उन्हीं सेंटेंसेस के अनुसार उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे. हो सकता है मैं आपसे कहूं कि भाई जॉन्डिस के बारे में मुझे 10 बातें बताइए, तो आप मुझे 20 बातें बता दें कि जॉन्डिस में क्या क्या होता है, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बढ़ जाता है, लिवर में प्रॉब्लम है, लिवर का जो डैमेज है, सिरोसिस जो है, उसके कई रीजंस हो सकते हैं, अल्कोहल इंड्यूस्ड हो सकता है, ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है, वायरल हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें आपने पढ़ ली, आप एक बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको सारी बातें याद हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर आ गई कि आपने वो एक सिंगल सेंटेंस जो है एनसीईआरटी का वो मिस कर दिया. So for practicing the questions NCERT is important, but it does not mean that read only and only NCERT. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, पेपर एनसीईआरटी में से आता है तो बाकी चीजें पढ़ने की क्या जरूरत है. ऐसा नहीं है मेरे राजा बेटा, पेपर एनसीईआरटी से आता है, लेकिन आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होने के लिए और चीजें जानना जरूरी है. एनसीईआरटी की लैंग्वेज मत मिस कर देना जब कोई सवाल आपसे पूछा जाए, वो बात इंपॉर्टेंट है. तो ये जो सीरीज हम आपके साथ करने जा रहे हैं बायोलॉजी की रणनीति, इसमें यही बातें तो बतानी है, यही बातें डिस्कस करनी है कि क्वेश्चन फ्रेम कैसे होता है और उस क्वेश्चन का आंसर क्या देना है एनसीईआरटी के अनुसार. नीट 2022 के पेपर में भी कुछ कंट्रोवर्सीज रही, स्पर्मिएशन के क्वेश्चन को लेकर के था, एक कोर बॉटनी के एरिया में से क्वेश्चन था, वो कंट्रोवर्सी रही. तो इस चीज में महारत हासिल करना जरूरी है. द लैंग्वेज ऑफ द एनसीईआरटी, the sentences which are there in the NCERT, sentences of NCERT are very important. As per the language, जैसे शब्द एनसीईआरटी ने इस्तेमाल किए उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके हमें इस चीज में आगे बढ़ना है. ठीक है, मैं आपको वो रीजंस बता रहा हूं कि व्हाई वी नीड अ रणनीति, व्हाई वी नीड अ स्ट्रैटेजी स्पेशली फॉर बायोलॉजी. पहली बात मैंने आपको ये बताई दैट बायोलॉजी फॉर्म्स 50% ऑफ द टोटल सिलेबस. एग्रीड, आप लोग सहमत हुए, 360 में से 360 मार्क्स हुए और वो हम ले सकते हैं. दूसरी बात, बायोलॉजी में क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं, एनसीईआरटी की लैंग्वेज पे एम्फेसिस दे रहे हैं एग्जामिनर. अब तीसरी बात, व्हाई यू नीड टू हैव अ सॉलिड बेस इन बायोलॉजी. बहुत बच्चे कहते हैं कि भाई इतना एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत क्या है, बायोमोलिक्यूल्स में जितना दिया है एनसीईआरटी में उतना ही पढ़ लो, उतने से काम चल जाएगा. देखिए, आप उतना पढ़ लीजिए, उसको अपनी मेमोरी में बिठा लीजिए अच्छे से, लेकिन अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है. अगर मैं अमीनो एसिड्स की बात करूं और आपको ये ही नहीं पता कि 20 अमीनो एसिड्स कौन से हैं, मान लीजिए अगर एनसीईआरटी ने 20 अमीनो एसिड के नाम नहीं दिए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको पता नहीं होने चाहिए. वो चीज़ जेनेटिक्स में भी इस्तेमाल होगी, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, अमीनो एसिड्स का ही खेल है. तो 20 अमीनो एसिड के नाम तो याद करने पड़ेंगे. अब होता क्या है कि भाई क्लास 11th के सिलेबस में जब बच्चों को हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, और अगर मैंने 20 अमीनो एसिड्स के नाम बता दिए तो उनको वो तो डर जाएंगे, वो कहेंगे हाय ये हम कैसे याद करें, डॉक्टर सचिन कपूर कितना एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, है ना. सपोज मैंने 20 अमीनो एसिड उनको बताया कि बेटा याद करो, याद करने पड़ेंगे कौन कौन से, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, सीरिन, थ्रियोनिन, फेनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिन, एस्पाराजिन, सिस्टीन एंड मेथियोनिन. बस सिंपल. कैसे नहीं याद हो सकते? बिल्कुल याद हो सकते हैं। बच्चे कहेंगे हम क्यों याद करें, ये तो फालतू की चीज है, हमें तो करनी नहीं है। Here comes the question that a solid base in biology is needed. I will relate it that why this solid base is needed. क्यों बेस अमीनो एसिड याद करने हैं, क्यों जेनेटिक्स में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन अच्छे से पता होना चाहिए, क्यों ह्यूमन फिजियोलॉजी पे एक सॉलिड पकड़ होनी चाहिए, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, नर्व इंपल्स कंडक्शन, इसकी डिटेल्स क्यों पता होनी चाहिए। डिटेल में मेरे बच्चे अब सुनो, मैं रिलेट करने जा रहा हूं आपके क्लास 11th एंड 12th का बायोलॉजी सिलेबस विद योर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस सिलेबस। अल्टीमेटली एमबीबीएस करनी है ना, एमबीबीएस ही तो बेसिक डिग्री है मेडिकल की, यही तो आपका सपना है। तो जब आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाएं तो क्या आप वहां पे डंब और ऐसे यूं बैठे रहेंगे कि भाई पता नहीं प्रोफेसर क्या कह रहे हैं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, एनसीईआरटी में तो ये था ही नहीं। ऐसा नहीं करना है। एक सॉलिड नींव होती है जिस इमारत की, वही मजबूत होती है, वही बुलंद होती है। तो सुनो मैं कैसे रिलेट कर रहा हूं, मैं रिलेट करने जा रहा हूं नीट बायोलॉजी का सिलेबस with your first year first prof MBBS सिलेबस। आपके लिए बिल्कुल नई बात होगी, बड़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें हम जानने जा रहे हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है ना, एक बार लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, आपके लाइक्स मेरे दिल तक पहुंचते हैं और वो मुझे दुगना जोश देते हैं, इतनी शक्ति से भर देते हैं कि बस मुझे लगता है आपको अभी के अभी डॉक्टर बना के ही छोड़ना है मैंने, राइट। सो फ्रॉम योर पेन, ये जो कलम है ना हाथ में, इससे मैंने आपको स्कैलेपल तक लेके जाना है। जब आपके हाथ में सर्जरी करने वाला वो स्कैलेपल होगा, कितनी बढ़िया बात है। फ्रॉम पेन पेंसिल टू स्कैलेपल, फ्रॉम एनसीईआरटी टू ग्रेज एनाटॉमी, मकसद तो ये है ना। सुनो, 11वीं क्लास में सेल बायोलॉजी पढ़ते हो? बिल्कुल जी। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल साइकिल आपने पढ़ा, सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स का स्ट्रक्चर पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, न्यूक्लियस क्या है, सेंट्रियोल्स क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, पूरी सेल बायोलॉजी आपने पढ़ ली। हिस्टोलॉजी पढ़ी, एनिमल टिश्यूज पढ़े, एपिथेलियल, कनेक्टिव, न्यूरल, मस्कुलर, 11वीं का सिलेबस है, बिल्कुल है। बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर पढ़ा आपने, बिल्कुल पढ़ा सना बेटा। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपने सारे चैप्टर्स पढ़े 11वीं में, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन, देन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ी, बिल्कुल पढ़ी जी। 12वीं का सिलेबस शुरू हो जाता है रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन डिटेल में पढ़ाता हूं, बिल्कुल। रिप्रोडक्टिव हेल्थ 12वीं का सिलेबस है, जेनेटिक्स 12वीं में है, 2 चैप्टर है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसके अलावा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इम्यूनोलॉजी, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, डिफेंस मैकेनिज्म, ये सब क्लास 12th के सिलेबस में है। एंटीजन, एंटीबॉडी, एलर्जीज, हाइपरसेंसिटिविटी, एड्स, इम्यून डिसऑर्डर्स, शिवा एवरीथिंग, ये आप 12th के सिलेबस में पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। अब इस सिलेबस को अपनी टिप्स पे ले लो, जरा दिमाग में बिठा लो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्लास 12th से नीट का एग्जाम देके जब आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पहुंचते हैं, जब आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पहुंचते हैं तो वहां पे क्या क्या विषय पढ़ने हैं। दैट विल लेट यू नो वाई अ सॉलिड बेस इन बायोलॉजी इज नीडेड, वाई यू नीड टू हैव अ कमांड ऑफ द बायोलॉजी, राइट। वाई रीजन अब समझ आएगा। एमबीबीएस में पहुंचा दिया जी आपको, आ गए आप एमबीबीएस में, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, राइट जी। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, कितने लोगों की तमन्ना है जी कि भाई बस हमने नीट 2023 क्लियर करके डॉक्टर बनना है, और कोई मामूली डॉक्टर नहीं, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है। चलो एक छोटी सी बात बता देता हूं, क्यूरियोसिटी होगी सबके मन में। एमबीबीएस का जो कोर्स है पूरा आपका, पहले होता था भाई 5.5 साल का, है ना, 5.5 साल से अब जो है 50 महीने कर दिए, थोड़ा सा फर्क पड़ा, थोड़ा सा फर्क पड़ गया है इसमें। देखिए कैसे, फर्स्ट प्रॉफ जो है आपका 13 मंथ्स का है, सेकंड प्रॉफ 11th मंथ्स का है, 11 मंथ्स का, थर्ड प्रॉफ इज ऑफ 12 मंथ्स, फोर्थ प्रॉफ इज ऑफ 14 मंथ्स एंड इंटर्नशिप कंपल्सरी है, इंटर्नशिप इंक्लूड करके मैं 5.5 साल का कह रहा था आपको, 1 साल की। सो एमबीबीएस का टोटल कोर्स 50 महीने का है, देख लो जरा। जब आप नीट 2023 दोगे अगले साल, उसके बाद 50 महीने पढ़ाई करनी है, 50 महीने पढ़ाई करके फिर हम डॉक्टर बनेंगे और तब हम नीट पीजी की भी तैयारी करेंगे, राइट। उसके लिए भी आप मेरे वीडियोस देखोगे, देखना एमबीबीएस में एनाटॉमी के, फिजियोलॉजी के, बायोकेमिस्ट्री के। चलो मैं रिलेट करने जा रहा हूं कि 12वीं क्लास का और 11वीं क्लास का जो हमारा सिलेबस है वो क्यों इतनी मजबूती से उसके ऊपर पकड़ होनी चाहिए। अभी अभी हमने देखा ना 11वीं और 12वीं में सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो भाई एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाके हम क्या पढ़ते हैं? एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर ही आता है जनरल एनाटॉमी, राइट, ग्रॉस एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। तो जो टिश्यूज मैंने 11वीं क्लास में आपको पढ़ाया, एपिथेलियल, कनेक्टिव, न्यूरल, मस्कुलर, इतनी डिटेल में बताता हूं आपको क्योंकि वो आपकी मजबूत नींव बना देगा एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लिए ही, राइट। एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान, जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन बताता हूं आपको, किस तरह से क्लीवेज होता है, कैसे ब्लास्टुला बनता है, इम्प्लांटेशन कैसे होता है, गैस्ट्रुला कैसे बनता है, ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे होता है, प्रेगनेंसी के तीनों ट्राइमेस्टर्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं, डिलीवरी कैसे होती है, पार्चुरेशन क्या है, ये पूरा है एम्ब्रियोलॉजी। तो इस एम्ब्रियोलॉजी की नींव आपने बना ली 12वीं क्लास का ह्यूमन रिप्रोडक्शन अच्छे से सॉलिड तरीके से पढ़ के। देन एमबीबीएस में आ जाती है जी फिजियोलॉजी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। गाइटन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे आप, गैनोंग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, एके जैन की किताब पढ़ेंगे, सीसी चटर्जी पढ़ेंगे, वंडरफुल बुक्स होंगी एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में। किताबों को देख के ही आपको प्यार हो जाएगा। उसके अलावा एक पूरा पूरा सेपरेट आपका पेपर होगा बेटा बायोकेमिस्ट्री का। जब ये बायोकेमिस्ट्री एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे ना, तब आपको याद आएगा कि डॉक्टर सचिन ने जो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाए थे वो वाकई में ही इंपॉर्टेंट थे। उन बायोमोलिक्यूल्स में सॉलिड पकड़ रखना जरूरी थी। क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अच्छी सी पकड़ होगी तो आगे जाके एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझे आप बात? हाउ द सिलेबस ऑफ 11th and 12th बायोलॉजी इज रिलेटेड with the MBBS first year syllabus, right? I hope this point is crystal clear to you. तो मेरा मकसद क्या है हमारी इस सीरीज का, बायो की रणनीति सीरीज जो हम करने जा रहे हैं राजा बेटा, ये मकसद क्या है इसका? देखो क्या लिखा है, फ्रॉम NCERT टू ग्रेज एनाटॉमी। तहे दिल से प्रणाम है इस पुस्तक को, बिकॉज ये आपके आगे के मेडिकल जीवन का आधार है। ग्रेज एनाटॉमी की ये किताब थ्रू आउट द वर्ल्ड पूजी जाती है एक तरह से। आप इसे तहे दिल से प्रणाम कीजिए। कहते हैं विद्या के प्रति आपको समर्पित होना चाहिए, राइट, तहे दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए। सो ये देखो जी, ये रही आपकी एनसीईआरटी, राइट। तो एनसीईआरटी के ऊपर महारत हासिल करनी है, एक एक सेंटेंस के ऊपर महारत हासिल करनी है, और इस तरह की महारत हासिल करनी है कि इस किताब से हम, एनसीईआरटी से हम पहुंच जाएं यहां तक। कौन सी है ये किताब? लाइक्स बनते हैं जी इसके लिए। ये मेरे पास ग्रेज एनाटॉमी का इंटरनेशनल एडिशन है, 42nd एडिशन, राइट। सो मैंने आपको यहां तक पहुंचाना है। अब मैं दोनों किताबों को एक साथ पकड़ने की कोशिश करता हूं, मेरे बच्चे इतना बोझ सह पाएंगे? बिल्कुल सह पाएंगे। सो फ्रॉम एनसीईआरटी टू ग्रेज एनाटॉमी, ये है हमारा मकसद, राइट। लाइक्स बनते हैं ना, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा है लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। सो राजा बेटा मैंने आपको पहुंचाना है फ्रॉम योर पेन और पेंसिल, जिससे भी आप लिखते हैं, टू स्कैलपेल, राइट। स्कैलपेल सर्जरी के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, है ना, कट लगाते हैं, चीरा लगाते हैं। कितने लोग आप में से सर्जन्स बनना चाहते हैं? बताइए मुझे, कितने लोगों का मन है आगे जाके सर्जरी में महारत हासिल करना? सो जो हमारी ये सीरीज है बायो की रणनीति, इसमें सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया व्हाई बायोलॉजी इज सो इंपॉर्टेंट। बायोलॉजी फॉर्म्स 50% ऑफ द टोटल सिलेबस। 360 में से 360 नंबर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। सेकंड, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से पूछे जा रहे हैं, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में से। लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं है कि एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं पता होना चाहिए, समझ में होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर करते समय बस वो जो सेंटेंस एज इट इज आएंगे ना एनसीईआरटी के, वो आपकी उंगलियों पे होनी चाहिए। इतने अच्छे से एनसीईआरटी को याद कर लो कि वो दिमाग में नहीं, वो फिंगर टिप्स में हो। सवाल सामने आए और उंगलियां आपकी उछल पड़े जल्दी से उसका जवाब देने के लिए, मजा तो तब है, ठीक है। और तीसरी बात मैंने ये बताई दैट व्हाई बायोलॉजी इज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज द सिलेबस ऑफ योर बायोलॉजी, right? Human physiology, genetics and cell biology, biochemistry, that all is related with the MBBS first year. वो भी मैंने relate करके आपको बता दिया. Clear है इतनी सब बातें, right? मजा आ रहा है जी. Now, the question is कि सचिन सर ने इतनी बातें बता दी. Biology बहुत important है, biology का solid base चाहिए. Biology में क्या 360 में से 360 आ सकते हैं? Is it possible? आप सोचेंगे सर आप बातें तो कर रहे हो, कोई सबूत है आपके पास? क्या डॉक्टर सचिन कपूर के पास कोई सबूत है जो वो आपको आकाश बायजूस नीट के इस प्लेटफॉर्म से बता सकें? यस, हियर इज द प्रूफ. वन कैन स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी. द प्रूफ इज हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड बाय मृणाल कुटेरी, AIR rank 1, 720 में से 720. कार्तिका जी नैयर, AIR rank 1, ऑल इंडिया rank 1, 720 में से 720. एंड तन्मय गुप्ता, ऑल इंडिया rank 1, 720 में से 720. दैट मींस इट इज पॉसिबल, राइट? नीट 2021 का रिजल्ट आपने देखा मार्वलस रहा. नीट 2022 का रिजल्ट आकाश बायजूस का मार्वलस. You are the next stars. You have it in you. So अगर ये लोग ले सकते हैं पूरे नंबर तो हम क्यों नहीं ले सकते, है ना जी? फैज कुरैशी, सवाल यही है ना कि अगर ये स्टूडेंट्स ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं. इन्होंने ऐसा क्या विशेष करा था? मुझे पता है इन्होंने क्या विशेष करा था. आई नो क्या स्ट्रेटजी रही मृणाल की, क्या स्ट्रेटजी थी बायोलॉजी को लेकर के कार्तिका की, तन्मय गुप्ता की, या तनिष्का की, या आकाश वत्स आशीष बत्रा की, या फिर ऋषिकेश की, जिन्होंने टॉप करा है. सो वी ऑल्सो कैन डू इट, है ना? सो द क्वेश्चन इज हाउ टू एक्सेल इन बायोलॉजी, हाउ कैन आई स्कोर 360 बाय 360 मार्क्स इन बायोलॉजी, what are the key ingredients which are required. This is very very important. तो आप सबके मन में ये सवाल होगा कि सर हमें भी NCERT से ग्रेज एनाटमी तक जाना है, हमें भी पेन पेंसिल से स्कैलेपल तक जाना है, तो बता दीजिए कि बायोलॉजी विषय को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, वो की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं. बायोलॉजी की रणनीति, बायोलॉजी की रणनीति जो सीरीज है ना, बस उसमें यही सब बातें हम आपको बता देने वाले हैं. कब से ये सीरीज शुरू हो रही है जी? 27 सितंबर से. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा. आप सबने लाइव अटेंड करने हैं सारे सेशंस, तो बायो में 360 में से 360 आके ही रहेंगे. सो की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? शिवा बेटा सुनो. अच्छा एक चीज और, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं करा है ना, एक बार लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं इन बातों पे. सबसे पहली बात होती है सही गुरु का चुनाव, राइट गुरु. नाउ द क्वेश्चन इज दैट in this era of internet and YouTube and Telegram and Instagram, how to find right guru. भाई पहले तो लोग घर से निकल पड़ते थे, जंगलों में चले जाते थे गुरु की तलाश में. क्या आप भी ऐसा करना पड़ेगा? नहीं नहीं, ना तो आपको सन्यास लेना पड़ेगा, ना ही आपको कोई भगवे कपड़े पहनने हैं, ना ही आपको नंगे पांव चलना है, ना ही आपको जंगलों में जाना है. राइट गुरु की तलाश कैसे करनी है झलक बेटा, डॉक्टर सचिन बताएंगे आपको. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज नो योर सिलेबस. आपका सिलेबस क्या है वो आपकी टिप्स पे होना चाहिए, राइट? राइट माइंडसेट. अब ये राइट माइंडसेट क्या है? क्या बायोलॉजी के लिए कोई अलग से दिमाग लाना पड़ता है? क्या न्यूरॉन्स के कनेक्शन बदलने पड़ते हैं? व्हाट इज दिस राइट माइंडसेट? काहे का राइट माइंडसेट है भाई? देखो ये सिंपल सी किताब है एनसीईआरटी, एक दो बार पढ़ेंगे एनसीईआरटी याद हो जाएगी. क्या प्रॉब्लम है इसमें, है ना? सिंपल सी तो है, 11th 12th में भी पढ़ी है. अब पढ़ेंगे तो बायो तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा. सबसे पहली बात अपने दिमाग से यही निकाल दीजिए कि बायो तो हो जाता है, एक बार याद करने से हो जाता है. बायो विल ब्रेक यू एट टाइम्स. ऐसा समय आएगा पढ़ते पढ़ते, याद करते करते, कि आंसू भी निकल आएंगे, कि बार बार मॉर्फोलॉजी की एग्जाम्पल्स भूल जाती हैं, बार बार एनिमल किंगडम की एग्जाम्पल भूल जाती हैं. याद नहीं रहता कि नियोफ्रॉन कहां था, बुंगेरस कहां था, पिंकटाडा किसकी एग्जाम्पल है? साइकॉन क्या होता है? ल्यूरोब्रेकिया में 8 रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट थे या 6 रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट थे। पहला कौन सा फाइलम है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक और बाइलेटरली सिमेट्रिकल है? फ्लेम सेल्स कहां पाए जाते थे? वेलवेट एस्टिवेशन का एग्जाम्पल क्या था? कंपाउंड लीफ के एग्जाम्पल क्या थे? सिंपल के क्या थे? कितना कुछ बोल दिया मैंने। सो बायो विल ब्रेक यू एट टाइम्स, हैव द राइट माइंडसेट। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। यहां पे फिजिक्स की तरह लॉज नहीं चलते हैं। यू आर डीलिंग विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिफ्यूज टू फॉलो सर्टन लॉज। मैमल्स से वी डू नॉट हैव न्यूक्लियस इन आवर आरबीसीज। ऑस्ट्रिच सेज आई डोंट वांट टू फ्लाई। Biology is the science of exceptions. You cannot apply generalized rules. That is the problem. So why I am saying that you need to have a right mindset. अपने अंदर से ये ख्याल, ये भ्रम, ये गलतफहमी निकालना जरूरी है कि मुझे तो सब चीजें हो जाएंगी। बायो को एक बार साइड में रख दूं, फिजिक्स केमिस्ट्री पहले कर लूं, बायो तो याद हो जाता है। मेरे बच्चे नहीं, रुला देगा कभी कभी अगर सही तरीके से चीजें याद नहीं करी। बायो की रणनीति यही तो है जिसमें बताऊंगा मॉर्फोलॉजी की एग्जांपल्स कैसे याद करनी है। कुछ कुछ निमोनिक्स जहां जहां जरूरी होंगे वहां बताऊंगा, माइंड मैप्स बताऊंगा। लाइव लेक्चर में ही पूरा चैप्टर आपका मजबूत करा दूंगा, स्ट्रॉन्ग करा दूंगा कि भाई लिविंग वर्ल्ड में से अगर पूछी जाती है तो यही 5 बातें पूछी जाती हैं। आप लिविंग वर्ल्ड में बिना वजह ही इतनी सारी कहानियां मत पढ़ते रहिए बच्चे। अगर पूछेंगे तो यही पूछेंगे, व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ, व्हाट आर द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ, व्हाट आर द नॉन डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ, है ना। तो अगर पूछनी है वही बातें पूछनी है। चैप्टर पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ो, समझो, लेकिन अपने गुरु को यह जरूर कहना कि भाई इतना तो बता दीजिए अल्टीमेटली क्या है वो बातें जो पूछी ही जाती हैं, जो हमें घुट्टी बना करके पिला दीजिए एक सिरप की तरह, और जैसे ही नीट एग्जाम में वो सवाल सामने आए इमीडिएटली वी आर एबल टू आंसर इट। दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेटजी, दैट इज कॉल्ड द रणनीति। ठीक है जी। और बहुत सारी बातें हैं गुल हसन बेटा जो मैं आपको बताने वाला हूं। कहां पे? आपको मेरा एक लाइव वेबिनार अटेंड करना है आप सब लोगों को। कब जी? 30 सितंबर को शाम को 6 बजे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वेबिनार का लिंक दिया है जिसमें मैं इन सभी सवालों के जवाब दूंगा आपको। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज राइट स्टडी मटेरियल। भाई टेलीग्राम पे और कितने सारे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे इतना सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा हो गया है कि बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है। कैसे पढ़ें इतनी सारी चीजें, कहां जाएं? भाई कोई एक दरवाजा हमें बता दीजिए जहां पे जाके बैठ जाएं, कोई एक चौखट हमें बता दीजिए जिसपे ये माथा टेक लें और हमारा उद्धार हो जाए। यही है मकसद मेरी इस आने वाली सीरीज का जिसका नाम है जी बायो की रणनीति। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट इन द चैट बॉक्स, गुल हसन, डॉक्टर यश, खुशी, राइट इन द चैट बॉक्स द नेम ऑफ द सीरीज विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट, सो दैट मैं चाहूं कि छप जाए आपके दिमाग में। हैशटैग चला दूंगा मैं एक नया, हैशटैग बायो की रणनीति। तो वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना ही बनना है। हेलो हर्षित। सो क्वेश्चंस हैं जी, की इंग्रेडिएंट्स फॉर scoring 360 marks in biology. Right guru, know your syllabus, right mindset, right study material. I will explain all these points. I will explain these points. लेकिन कहाँ? मैं ये सारे points यहाँ पे explain करूँगा। Live webinar आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ 30 सितंबर को 6 बजे। 30 सितंबर, राइट जी, 6 बजे शाम के इस वेबिनार में ये सारी बातें डिस्कस होंगी। हाउ टू स्कोर 360 मार्क्स इन नीट बायोलॉजी। वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री है, राइट। यू हैव टू जस्ट सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो इस वेबिनार को अटेंड करके आप देखेंगे आपका माइंडसेट एकदम सही हो जाएगा नीट के लिए। क्लियर है मेरे बच्चे, राइट? अब एक बात और सुनो, जो हम नई सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं बायोलॉजी की रणनीति, उसके लिए हमने आपके लिए एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। आकाश बायजूस की नीट की टीम ने एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, राइट? फॉर व्हाट? व्हाई यू हैव टू ज्वाइन दिस? you have to join this for regular updates. For regular updates about this latest series, you have to join this for daily practice papers. You have to join this for PDFs. You have to join this for quizzes, for questions. So ये एक पूरी सेना तैयार हो जाएगी हमारी एक्सपर्ट एकदम, जो किसी भी मुश्किल माहौल में अपने आप को बेहतरीन साबित करेगी. राइट जी, क्लियर है मेरे बच्चे? सो t.me बायो की रणनीति, राइट, ध्यान रखिएगा जी. ये QR कोड भी दिया गया आपको, आपने ये ज्वाइन करना है. इसके अलावा हमारा एक और टेलीग्राम ग्रुप है जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए है, दैट इज नीट आकाश डिजिटल. ये भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इस पे हम आपको सभी सेशंस की अपडेट्स देते हैं. नाउ इन एडिशन टू दिस बायोलॉजी की रणनीति, हमारे जो और बैचेस चल रहे हैं यूट्यूब पे, मिशन MBBS मंडे से सैटरडे 4 बजे से 8 बजे तक, एंड हमारा ड्रॉपर बैच चल रहा है मंडे टू फ्राइडे 2 बजे से 4 बजे तक. क्लियर है? सो आई वॉन्ट यू पीपल की टाइम टेबल भी आपकी टिप्स पे हो, आपको पता हो कि इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलने वाला है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट यू पीपल टू नो, हम अपने सभी स्टूडेंट्स से एक गूगल फॉर्म भरवा रहे हैं, एक सर्वे हम कर रहे हैं कि आपको हमारे चैनल पे क्या क्या चीजें देखना बेहतरीन लगता है और चैनल पे जो चीजें चल रही हैं उनके बारे में आपका फीडबैक क्या है. आप बिल्कुल दिल खोल करके अपने दिल की बात हम तक पहुंचा सकते हैं. वीडियो का लिंक देखिएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में ना, लिंक देखना, वहां पे आपको मिल जाएगा इसके लिए फॉर्म भरने के लिए लिंक. आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है, आप सभी बच्चे ये एग्जाम दे सकते हैं स्कॉलरशिप पाने के लिए, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी. जो बच्चे ड्रॉपर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहते हैं, 50% तक स्कॉलरशिप्स उनके लिए है. वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिएगा, इसके लिए भी आपको राजा बेटा लिंक मिल जाएगा. सो स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड, मेक इट हैपन. सो अब मैं ये चाहूंगा कि कल से ये सीरीज बायो की रणनीति शुरू हो रही है. चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन को हिट कर दिया ताकि हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे. 27 सितंबर को मैं आपके साथ लाइव होऊंगा यूट्यूब पे दोपहर को 1 बजे. ठीक है जी. प्रिंस पूछ रहे हैं सीरीज में होगा क्या क्या, यही तो सरप्राइज है. बायो की कंप्लीट रणनीति वाली सीरीज में महारत हासिल हो जाएगी आपको बायो में, एंड आपके 360 में से 360 मार्क्स अवश्य आएंगे अगर आप मेरे कथना अनुसार चलेंगे. अगर आप मेरे कहने के अनुसार चलेंगे तो कोई ताकत नहीं है जो आपको 360 में से 360 लाने से रोक पाए. क्लियर है जी. सो नीट 2023 के लिए भी हमारी सीरीज चल रही है, 24 के लिए भी है. जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा था सेशन को, लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिए, एंड कल मिलेंगे हम अपने इस एकदम बेहतरीन नए सीरीज में जिसका नाम है बायो की रणनीति. नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल. वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, जो भी लिंक्स हैं उन्हें एक्सप्लोर कीजिए. बाय बाय.